हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 27 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के ना हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना हीट करता है, यानी कि गर्म होता है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले ना अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो थोड़ी देर में ना आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन होगा ये वाला, इसमें आपको ना रिस्टार्ट का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती थी कि हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन हीट करता है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर कुछ बातों का आपको और भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो आपको हमेशा मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए हमेशा अपने फोन के साथ वाला जो चार्जर होता है ना उसे ही आपको यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभार हम दूसरे फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए, इससे जो है ना हमारा फोन जो है हीट करने लगता है, गर्म होने लगता है, क्योंकि देखिए दूसरे फोन का जो चार्जर होता है ना वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है। काफी सारे लोग जो अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण भी मोबाइल फोन हीट करता है। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको यह करना है, आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लग पाता कि अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर ना कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। तो आपको सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको ना कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप अपने मोबाइल फोन को कंटिन्यू 2-3-4-5 घंटे अगर कंटिन्यू यूज करते हैं तो इससे भी आपको मोबाइल फोन हीट करता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कभी भी आप अपने मोबाइल फोन में कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा लंबी रिकॉर्डिंग करते हैं 1-2 घंटे की 3 घंटे की 4 घंटे की, तो इससे भी हमारा फोन जो है हीट करने लग जाता है। मोबाइल फोन की जो फ्लैश लाइट होती है, यानी कि टॉर्च होती है, वो भी ज्यादा देर तक अगर आप चालू करके रखेंगे तो इससे भी मोबाइल फोन हीट करने लगता है। और खासकर गर्मियों के सीजन में है ना, हमारा फोन रखे रखे अपने आप ही गर्म होने लगता है, क्योंकि देखिए गर्मियों के सीजन में क्या होता है, फोन के चारों ओर का जो एनवायरमेंट होता है वो गर्म होता है, जिसके कारण मोबाइल फोन हीट करता है। ठीक है ना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपको। अब देखिए दोस्तों, सबसे आखिरी प्रोसेस आपको यह करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपका मोबाइल फोन हीट कर रहा है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना होगा। ठीक है।